आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक का आयोजन मुरादाबाद अम्बेडकर पार्क में किया गया, जिसमें पार्टी की नीतियों के बारे में बताया गया। कोई सताए हमें बताया कि सलोगन के साथ जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। बैठक में मौजूद सभी जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष नासिर पाशा भारतीय जननायक पार्टी जिंदाबाद और भारत गौरव संतोष कुमार यादव जिंदाबाद के नारे लगाए गए। संबंध में यहाँ आना हुआ आज हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक आपातकाल बैठक बुलाई गई थी, जिसमें के हमें जिलाधिकारी महोदय से मिलना था। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार यादव जी ने अभी मुरादाबाद के काफ़ी लोगों के आवास माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से मंजूर करा के यहाँ पर भेजे हैं, उसी सिलसिले में मिलना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से। क्या क्या समस्या, किस किन समस्याओं को लेकर मिले हैं? समस्याओं को कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है कि मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी का परचम तगड़ा करके लहराएं, अपनी अपनी कमेटियां बनाएं और आने वाले समय में हमारे अगर कोई माननीय बड़े पदाधिकारी का मुरादाबाद आए तो उन्हें ऐसा लगे कि मुरादाबाद में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा परचम लहरा चुका है। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने कार्यकर्ताओं? अपने कार्यकर्ताओं को सभी को मैं संदेश देना चाहता हूँ, हर एक आदमी ईमानदारी के साथ काम करे। सभी विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अपनी अपनी टीमें बना करके हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जमा करें और 30 तारीख में हमारी लखनऊ में एक बैठक होनी है, इसी सिलसिले में ये हमने बैठक बुलाई थी। सभी कार्यकर्ताओं को इसके बारे में बताया। भाई साहब, क्या नाम है आप और किस पद पर हैं? मैं नाम शेख मोहम्मद बिलाल मसूदी है और मैं जिला प्रमुख महासचिव के पद पर हूँ। और जो हमारी पार्टी भारतीय जननायक पार्टी काम कर रही है मुरादाबाद मंडल में, मुरादाबाद जिले के अंदर, और आज सभी फ्रंटों के जिलाध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष यहाँ मौजूद है, काफ़ी सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। और जो है भारतीय जनता पार्टी को मुरादाबाद जिले से एक बहुत बड़ी पार्टी है, उभर कर आ रही है। और हम ये संदेश देना चाहते हैं, हमारी पार्टी जो काम कर रही है, कोई सताए हमें बताए कि तर्ज पर काम कर रही है और सभी की समस्याओं को बिना भेदभाव के काम कर रही है। आज हम मुरादाबाद के अम्बेडकर पार्क में किस वजह से यहाँ पर जमा हुए हैं आप कार्यकर्ता? जो हमारे लखनऊ में आदेश कराए थे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे संतोष कुमार यादव जी ने, तो उसी जो समस्याएँ लोगों की, जो पीड़ित हैं लोग, उन्हीं की समस्या।